वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास नाइन्थ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी के बारे में है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने पैराग्राफ 8 तक इसको कर लिया था, 9th पैराग्राफ करना था। तो इसमें जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जेम्स ब्लड ने इनके बारे में कहा था कि भगवान ने अगर उसकी सुनने की क्षमता अगर ले ली है तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको दे भी दिया है। हम तो कानों से म्यूज़िक सुनते हैं पर वो म्यूज़िक को फील करती है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है जिसकी कोई काबिल तारीफ है। उसके बाद एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का मतलब होता है अ पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्टी टू स्टॉप वर्किंग, जिसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती हो काम को रोकने में। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो कैसे भी काम को करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्राय मैं डिफ़िकल्ट चीज़ को पहले चुनती हूँ और फिर क्लासिकल म्यूजिशियंस को चुनती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, मतलब उसके जो रिवार्ड्स हैं वो इनॉर्मस है, काफ़ी विशाल हैं, काफ़ी बड़े रिवार्ड्स उसे मिले हैं। आफ्टर फ्रॉम आ रेगुलर कॉन्सर्ट्स उसके जो होते हैं, मतलब संगीत की जो संगोष्ठियाँ होती है उसके अपार्ट में वो क्या करती है। एवलिन ऑल्सो गिव्स अ फ्री कॉन्सर्ट्स इन अ प्रिजन्स, जेल के अंदर फ्री में अपने प्रोग्राम्स को करती है। कॉन्सर्ट्स मीन्स म्यूज़िक के प्रोग्राम को आयोजित करना, जेल के अंदर भी करती है एंड हॉस्पिटल्स। शी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग म्यूजिशियंस को काफ़ी अच्छी क्लासेस देती थी वो। एंड रिस्लिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रंसेस, जो फंड इकट्ठा करती है बहरे लोगों के लिए, वो कहती है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डीप चिल्ड्रन, वो जो बहरे बच्चे हैं उसके लिए चमकता हुआ सितारे के समान है, चमकती हुई प्रेरणा है, आने वाला कल है। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो, उसे लगता है कि वो और कहीं नहीं जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसने जो हासिल किया है अपनी लाइफ में वो मोस्टली उसके डबल एज भी अगर लोग जी लें तो हासिल नहीं कर सकते हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकुशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो परकुशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई और एंड डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस चीज़ को डेमोंस्ट्रेट कर दिया कि ये काफ़ी चलित है और मूविंग है। शी ऑल्सो गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, वो जो लोग अपने जीवन में हैंडीकेप्ड हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत एवलिन ग्लेनी बन चुकी है। पीपल हु लुक्स टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और आखिरी में फाइनली शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। इनॉर्मस प्लेजर मतलब एक बहुत बड़ी प्लेजर की बात है मिलियंस लोगों के लिए, जो कि अपने जीवन में ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मैं तो हैंडीकैप हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, पर उसके जीवन में जो है कोई सी भी चुनौती है वो छोटी साबित हुई। तो आज हमारा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बिस्मिल्ला खान के बारे में है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।